जेनुइन पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। अभी हम खड़े हैं सेवा गांव में। सेवा गांव की क्षतिग्रस्त पुलिया, निर्माणाधीन पुलिया, निर्माण इसका कार्य चल रहा है, लेकिन ये 4-5 माह से निर्माण कार्य जारी है और ग्रामीण और राहगीरों की परेशानियों को कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है। भारी परेशानी आ रही है इसमें। ये देखिए, इसमें अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा और वजीरपुर डॉन सिटी और भरतपुर से गंगापुर सिटी की ओर आने वाले ग्रामीण काफ़ी परेशान रहते हैं यहाँ पर। आइए हम आपसे बात करेंगे, आपके कुछ लोगों से। देखिए अभी तो इसमें काफ़ी काम बाकी है। ये पुलिया का निर्माण हो रहा है। यहाँ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं। लंबी लाइन लग जाती है और पुलिया तो फिर भी निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन जो नीचे यहाँ इसके बगल में जो घर बने हुए हैं उनमें पुलिया के नीचे ये पुलिया को उसी पूरी पुरानी पुलिया पे ही बैकग्राउंड पे डाल दिया है। इसके नए बैकग्राउंड को नहीं लिया है, ऊंचा उठाया नहीं है और इस पे होके राहगीर गुजरने लग गए हैं। मोटरसाइकिलें निकलने लग गई है इसमें। ये दुर्घटना का कारण बन सकती हैं क्योंकि अभी पुलिया का निर्माणाधीन कार्य चल रहा है और इससे होके मोटरसाइकिलें और वाहन चालक गुजर रहे हैं, जिससे काफ़ी परेशानी मतलब यहाँ पे हो सकती है। किसी को भी कोई भी संभावित दुर्घटना इंजरी हो सकती है। और यहाँ पे दोनों साइड पुलिया के हम आपको दिखा दें, काफ़ी पानी भरा हुआ रहता है। पानी ये बरसातों में भी भराव क्षमता आ जाती है, तो काफ़ी परेशानी होती है इसमें। जीनिस पोर्टल पे हमने आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल लाइव सेवा से, गंगापुर सिटी PWD और गंगापुर सिटी में। ये देखिए, टोल तक इसका लाइन पहुंच चुकी है। वाहनों की काफ़ी लंबी कतार लग चुकी है वजीरपुर की ओर से आने वाले। ट्रैफिक व्यवस्था इसमें घंटों तक राहगीर परेशान होते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पुलिया को ऊपर भी नहीं उठाया गया है, और अगर ऊपर उठा लेते तो बहुत सही रहता। और ये देखिए आप, नीचे इसमें पानी भर जाता है, इसमें कोई नाले की व्यवस्था नहीं है। नीचे के पिलर एक एक घंटा। आइए हम यहाँ के कुछ ग्रामीणों से चर्चा करेंगे रोड के बारे में, क्या कहना चाहते हैं। सर आप यहीं गांव के रहने वाले हैं, इसी गांव के? हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? मुकेश। मुकेश जी आप बताइए, आप ये पुलिया कितने दिन से यहाँ खराब है? और सर दीपावली बाद से 12 नवंबर के लगभग से खराब है। 12 नवंबर को ट्रक रात में पलट गया था, बजरी से भरा हुआ पलट गया था। ईंटों का यहाँ पे ईंटों का ट्रक पलट गया, उसके बाद ये तोड़ फोड़ के बनाया है पुल। अभी इसकी RCC डली कंप्लीट हो चुकी है, मगर जो ठेकेदार आते हैं वो भाग जाते हैं। क्यों ठेकेदार ऐसा? पुलिया को इधर से तोड़ दिया, वो जो साइड में बाउंड्री बन रही है उसको तोड़ के भाग गए।
साइड में बाउंड्री वाल को भी तोड़ दिया है। हाँ, और फिर भाग जाते हैं, फिर काम अब तक हो जाना चाहिए था, तो अभी तो कोई चांस ही नहीं दिख रहा। तो मतलब काफ़ी आपको 4-5 महीने हो गए? हाँ, 4 महीने तो फिक्स हो गए। लेकिन और ये जो वाहनों से बराबर टोल लिया जा रहा है टोल कर्मियों पे? अब वो तो ले ही रहे हैं, मतलब असुविधा होते हुए भी मतलब टोल लिया जा रहा है, और रोड क्षतिग्रस्त है, और एक एक दो दो घंटे यहाँ पर जाम लग जाता है गांव में। बिल्कुल, काफ़ी भारी परेशानी है, और जिस रास्ते में होके बाईपास बना रखा है उस रास्ते में भी काफ़ी परेशानी है, बहुत ज़्यादा। निर्माणाधीन पुलिया पे भी ये लोग बाग यहाँ से निकल रहे हैं, ये अपनी जान को जोखिम में डालकर